हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ -8x² y^6 एंड -20xy। वेरीफाई द प्रोडक्ट फॉर x = 2.5 y = 1। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा इन दोनों का, उसके बाद से वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, अब जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट होता है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम साइंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए, माइनस है यहाँ, माइनस दोनों को एक साथ, फिर मल्टीप्लाइड बाई x, क्योंकि x एक ही है, फिर मल्टीप्लाइड बाई y^6 × y। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कैसे करना है। देखिए, -8 और -20, तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, और 8 × 2 = 16 होता है, तो ये हो जाएगा 160 पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पर हम पावर्स को केवल ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, y^7 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने निकाल लिया है प्रोडक्ट, अब हमें करना है वेरीफाई। ठीक है, वेरिफिकेशन करना, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, जो इनिशियल स्टेटमेंट होता है वही है, और जो रिजल्ट आया है वो आपका ये है, मतलब ये आपका RHS है, इसको आप मानेंगे RHS। तो पहले हम LHS में वैल्यूज पुट कर लेंगे और देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है आपकी, y की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाई -20, x की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू है 1। सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 2500 इन पॉजिटिव। सिमिलरली आप RHS भी निकालेंगे, तो RHS आपका ये जो रिजल्ट है उसको आप मानेंगे। तो यहाँ पुट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 2.5 का हमें करना होगा, फिर दैट y^7 आप 160 से मल्टीप्लाई करेंगे 15.625 में, तो आपको मिल जाएगा 2500, जो कि एग्जैक्टली आपका LHS से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आप LHS सॉल्व कर लीजिए, जो आता है वो RHS भी आएगा। तो यहाँ पर यदि आपको डिफिकल्टी, यहाँ टाइम बचाना है आपको, तो डायरेक्टली आप 2500 लिख देंगे तब भी हो जाएगा, दोनों सेम आता ही है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, दोनों सेम एग्जैक्टली सेम आएगा। ओके, यदि आपने यहाँ पर सॉल्व सही से किया है तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। नाउ आप लिख, यहाँ देख सकते हैं कि सिंस, आप लिख सकते हैं कि LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड इवेलुएट 3.2 x^6 y^3 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 x² y² वैन x = 1 एंड y = 0.5। तो हमें यहाँ पर इवेलुएट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअली एट x = 1 एंड y = 0.5। मीन्स एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, उसके हेल्प से आपको इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा। तो लेट अस फाइंड आउट, वी हैव, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सिंपल हो जाएगा, उसके बाद से हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस मल्टीप्लाई, 3.2 और 2.1 को मल्टीप्लाई करते हैं यदि आप, तो मिलेगा आपको 6.72 × यहाँ पर केवल पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x^8 × यहाँ पर हो जाएगा y^5। ऑन पुटिंग x = 1 एंड y = 0.5 वी गेट, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे एंड व्हाट वी गेट, लेट अस सी। तो देखिए, 1 का पावर 8 लेने पर मतलब कि 1 ही आएगा डेफिनेटली, तो ये 6.72 ही रहेगा into 0.5 to the power 5। तो यदि आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, सो यू कैन गेट 0.125 into, एंड 2 टाइम्स मोर करेंगे तो मिलेगा आपको 0.25, बिकॉज 5 is 25। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, यदि हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 0.21। सो दिस इज योर वैल्यू, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस वन व्हेन x = 1 एंड y = 0.5 एंड द वैल्यू इज दिस। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 23। यदि आपको अच्छा लगा सोल्यूशन तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x = 1 एंड y = 0.5। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सिंपल कर लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5 पुट कर लेंगे एंड वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, सो वी हैव, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले कांस्टेंट्स को एक साथ कर लेंगे और सिमिलर वेरिएबल्स को एक साथ। ओके, तो हमने कर लिया है यहाँ पर, सो नाउ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 90
इस पूरे कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पर वेरिएबल्स की केवल पावर्स को हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 और 1 9, मीन्स x टू द पावर 9 इंटू वाई टू द पावर 5, 3 प्लस 2 5। नाउ अब यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे किसका, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5 और वैल्यू ऐड करेंगे, ओके 90 इंटू यहाँ पर 1 का पावर होगा 9 इंटू वाई की वैल्यू है 0.5, 90 इंटू 1 टू द पावर 9 की वैल्यू तो 1 ही होती है, सो 1 इंटू 0.5 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि पावर में क्या है 5 है। सो यहाँ से देखिए 2 से 2 जा 2 और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। सो अब यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये 45 जो है 2 से नहीं कटने वाला, सो 45 न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि 45 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 45 ही रहेगा, होल अपॉन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा 16, सो दिस इज 16। सो 45 अपॉन 16 इज योर वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 25, इवेलुएट 2.3 a to the power 5 b square multiplied by 1.2 a square b square when a is equal to 1 and b is equal to 0.5। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और a और b का वैल्यू पुट करेंगे एंड फाइनली इवेल्युएशन हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट, वी हैव, तो हम नंबर्स को एक साथ कर लेंगे और जो वेरिएबल्स होंगे सिमिलर वेरिएबल्स उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेसिमल हम हटा देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 23/10 इंटू 12/10 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर 7 इंटू बी टू द पावर 4। अब यहाँ a और b के जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 1 टू द पावर 7 की वैल्यू 1 ही होगी, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में डिनोमेटर में जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 2 2 3 6, तो जो हमें बचा है वो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ निकलेंगे तो मिला हमें 3 3 9 एंड 3 2 6, 69 अपान, और नीचे देखिए 2 4 400। तो आपका जो आरडी शर्मा में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.9, तो एक जीरो को यहाँ से हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 6.9/40, मीन्स एक जीरो मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे 69 में तो आपको मिल जाएगा 6.9/40 एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next one. Okay, question number 26. Evaluate this much for x is equal to 2.5 and y is equal to 1. तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंपल एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस सॉल्व, तो हम यहाँ पर सिमिलर वेरिएबल को एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट्स को एक साथ, कांस्टेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 2 16 होता है तो 160 मिलेगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर है 2.5, तो 2.5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि पावर है यहाँ पर 3 इंटू 1 टू द पावर 7। तो यहाँ पर देखिए 25 को ले सकते हैं 25/10, राइट, और ये 1 को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 टू द पावर 7 रहेगा तो 1 ही आएगा। एंड दिस इज योर आंसर, 2500 इज योर आंसर फॉर दिस वन 26। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सो बाय।